बिस्मिल्ल रिम आज हम जो uh, तो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन का इस्तेमाल आई मीन यूज ऑफ इंटीग्रेशन वाई द इंटीग्रेशन व्हाट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड इट So, uh, the actual reason behind the development or the introduction of uh, integration was the area problem. Actually, um, initially, the formulas for the areas of polygons, such as squares, rectangles, triangles, and trapezoids, were well known in many civilizations. कि जो शुरू में हमारे पास जो सिविलाइजेशंस थी उनको उनके लिए बहुत आसान था या उनके पास क्या कहते हैं वेल नोन तरीक़े थे कि पॉलीगोन के एरियाज़ को वो कैलकुलेट कर सकते थे या फाइंड कर सकते थे फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स वग़ैरह या ट्राइंगल वग़ैरह तो इनका एरिया कैलकुलेट करना उन्हें आता था या इसके अलावा भी जो डिफरेंट पॉलीगोन्स हो सकते हैं लाइक हैगजागोन ऑक्टागोन वगैरह ठीक है तो उनका जो एरिया था वो उस जमाने के लोग जो थे या वो सिविलाइजेशंस जो थी जो ओल्ड सिविलाइजेशंस थी वो कैलकुलेट कर सकती थी लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम आरइज हुआ वो कब हुआ वो उस वक्त हुआ जब किसी कर्व की ठीक है यानी कोई ऐसा रीजन जो कि किसी कर्व से बाउंडेड था जिसकी बाउंड्रीज जो थी वो कर्व्ड फॉर्म में हुआ करती थी तो उनका एरिया मालूम करना आ, एक प्रॉब्लमेटिक काम था उस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी सबसे जो कॉमन मिसाल है वो एक सर्कल है ठीक है तो अगर सर्कल का एरिया मालूम करना हो तो वो उस जमाने में काफ़ी मुश्किल था so for this reason, progress on the area problem remained at a rudimentary level until the later part of the 17th century when sir isaac newton and gottfried leibniz discovered a fundamental relationship between areas and derivatives. so yiju maslataka curved uh, boundaries, vali shapes shapes, are tini. उनका एरिया कैलकुलेट करना काफ़ी अरसे तक एक इशू रहा और कब तक ये सेवनटीन सेंचुरी तक ये इशू रहा जब आइजक न्यूटन और गॉटफ्रीड लेबनिस ने जो है फंडामेंटल रिलेशनशिप फाइन करी एरियाज और डेरिवेटिव्स की या फिर एंटी डेरिवेटिव्स की ठीक है अच्छा जी दे शोड इज आ नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल ए कॉमा बी उन्होंने ये बात प्रूफ करके दिखाई कि अगर एफ जो है वो कोई फंक्शन हो नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन और उसका जो इंटरवल हो उस फंक्शन का वो ए से लेके b बी तक का हो और अगर उसका एरिया जो कि वो फंक्शन बाउंड कर रहा हो वो एक्स से डिनोट किया जाए ठीक है और ये एरिया बेसिकली उस कर्व का जो ग्राफ होगा उसके अंदर में आता हो ठीक है ओवर द इंटरवल ए कॉमा एक्स यानी कि A से स्टार्ट होगा और एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है वेयर एक्स इज एनी पॉइंट इन द इंटरवल ए कॉमा बी तो यहाँ पे आप ग्राफ भी एक देख रहे हैं ठीक है और इस ग्राफ में जो है अगर आप और करें तो हमारे पास एक कर्व है यानी कि वो कर्व किसका होगा एक फंक्शन का होगा ठीक है आप ये फंक्शन आप देख रहे हैं दिस इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और इस फंक्शन के अंडर में यानी कि यहाँ से लेके इस एक्स एक्सिस तक जो है अगर आप इसको बाउंड कर दें वर्टिकल लाइन्स जो कि स्टार्ट कहाँ से हो ऐ से स्टार्ट हो और एक्स तक मूव हो तो इसमें जो एरिया बनेगा वो उसका नाम क्या दिया गया है ए ऑफ एक्स ठीक है यानी यू अंडर द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ठीक है और ये जो एफ एक्स है बेसिकली इट इज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स सो As the value of x changes, the height changes, right? So, all these heights for all the values of x from a to b, when summed up, they will form the area of this region, okay. अगर ये तमाम वर्टिकल लाइंस जो कि इन फाइनाइट नंबर की होंगी बिटवीन ए टू एक्स अगर हम इन तमाम को अगर हम आपस में समप कर दें विद देयर हाइट तो ये तमाम मिलके क्या बनाएंगी ये तमाम मिलके बनाएंगी एरिया ऑफ दिस रीजन ठीक है यानी कि जो वैल्यू ऑफ या फिर जो नंबर ऑफ लाइंस होगा ये वर्टिकल लाइंस यानी कि वाई की वैल्यू ठीक है ये कितनी होगी ये एक्स होंगी ठीक है यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी कि एक्स माइनस ए इसकी लेंथ हो जाएगी तो ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय दीज वर्टिकल लाइंस, ठीक है हर इंडिविजुअल वर्टिकल लाइन को आप आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा या आप ये भी कह सकते हैं कि इन वर्टिकल लाइंस की जो लेंथ है आप वो टोटल कॉपी कर दो आई मीन I mean, एडअप कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ दिस रीजन ठीक है तो यही काम जो है बेसिकली इंटीग्रेशन करता है वो एरिया अंडर द करव कैलकुलेट करता है ठीक है उसके लिए हमें एटलीस्ट एक फंक्शन पता होना चाहिए ठीक है और फिर उसकी जो बाउंड्रीज हैं यानी कि वो बाउंड्रीज मिलकर क्या बना रही हूँ एक क्लोज सरफेस बना रही हूँ तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे जो है इसकी टॉप सरफेस फॉर्म हो रही है इट इज़ बीइंग फॉर्म बाय दिस फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एक लाइन हो गई ठीक है लेफ्ट बाउंड और राइट बाउंड इसी तरह जो बॉटम बाउंड है वो एक्स माइनस ए इसकी लेंथ है ठीक है या फिर x इज इक्वल टू जीरो भी आप कह सकते हैं सॉरी y इज इक्वल टू जीरो होगी इसकी ये जो है ये वाली लाइन इसकी इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू जीरो बिकॉज इस होल लाइन के ऊपर y की वैल्यू क्या है जीरो है ठीक है और इधर जो है x इज इक्वल्स टू ए है और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू एक्स है ठीक है तो ये जो हमने जो है इसकी बाउंड्री जो है यानी कि जो लाइंस हैं हमने उसकी इक्वेशन भी मालूम कर ली या उनकी वैल्यूज भी मालूम कर ली बात एक ही है ओके सो दिस इज एक्चुअली द मेन फार्मूला और द मेन कंसेप्ट बिहाइंड दिस होल इंटीग्रेशन थिंग तो ये जो आई मीन फार्मूला है या प्रस्प्रेशन है क्या कहती है कि एरिया जो है ठीक है उसका डेरिवेटिव अगर आप ले लो एक्स किसके बराबर होगा फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर होगा हम आमतौर पर करते क्या है हम एफ ऑफ एक्स को जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है एरिया मिलता है ठीक है वी गेट एरिया और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें एरिया को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा इंटीग्रल से डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा तो यानी कि डी ऑफ ए बराबर किसके होगा एफ एक्स के बराबर होगा चलिए मैं इसको थोड़ा साफ तौर पे कर देता हूं कि हम जो हैं जब आई मीन लेट सपोज हमारे पास uh, एक फंक्शन है ठीक है एफ ऑफ एक्स ठीक है तो जब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है एरिया मिल जाता है ठीक है सहर सी बात है ये एरिया जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा होगा तो ये हमने इंटीग्रेट किया इस फंक्शन को ओके अच्छा तो अब क्या होगा अगर हम इसका रिवर्स कर दें यानी कि अगर हम इसको डिफरेंशियट कर दें ठीक है डी ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स तो हमें यहाँ पे भी इसको डिफरेंशियट करना होगा ए एक्स और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स इज इक्वल टू ए डैश एक्स डिफरेंशियल को आप हटा दें तो डिफरेंशियल से कैंसिल हो जाएगा ठीक है ना और ये हो जाएगा ए डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कि जब हमने एरिया को डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिला अपना मेन फंक्शन मिल गया ठीक है तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि एरिया को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें क्या मिल जाएगा अपना कर्व मिल जाएगा जिसके अंडर में हमने एरिया कैलकुलेट किया हुआ है जिसका एरिया हमें केवन है ओके okay. अच्छा जी एग्जाम्पल नंबर थ्री है आपकी बुक की फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन तो हमें क्या करना है हमें एरिया कैलकुलेट करना है इस एलिप्स का ठीक है ये एलिप्स इतना एरिया ऑकोपाई कर रहा है वी हैव टू कैलकुलेट दैट एरिया ओके तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई ठीक है और साथ में हमें दो कांस्टेंट वैल्यूज भी गिवन हैं, जो कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म में और फिर ये इज इक्वल टू वन है सो ये तीन हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हो गई अच्छा जी अब आपको पता है कि जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे बाई यूजिंग इंटीग्रेशन तो डेफिनेटली हमें कोई इक्वेशन चाहिए होगी हमें कोई फंक्शन चाहिए होगा और वो यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ वाइज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है तो इसीलिए हम क्या करेंगे हम ये जो हमें फार्मूला गिवन है एलिप्स का इसमें से इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एक पर्टिकुलर या एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में ठीक है तो और डेफ़िनेटली उसकी जो शक्ल होगी या उसकी जो अपेरेंस होगी वो क्या होगी वाई इज़ इक्वल टू सम होगा तो इसीलिए हम क्या करते हैं हम इसको सिम्प्लीफाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को जो कि हमें एलिप्स की गिवन है और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इस वाली फॉर्म में वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b ओवर ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन आ गई ठीक है एलिप्स की जो कि y इज इक्वल्स टू एफ की फॉर्म में ठीक है यहाँ पे फंक्शन अगर आप देखें राइट साइड पे तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्या हो गया y इज इक्वल्स टू एफ और एफ किसके बराबर है प्लस माइनस b ओवर a ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है ठीक है जी अच्छा अब देखें इसमें जो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको ऐसा लिख लें कि ये बराबर किसके है बी अपॉन एजनिंग इज एक एंडरुट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है एक तो पहला ये हो जाएगा ये प्लस के साथ होगा और दूसरा क्या होगा माइनस के साथ माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है तो ये दो बनेंगे इसमें अगर आप गौर करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये तो सेम है सिर्फ साइन का फर्क होगा तो अगर आप इसकी फिगर पे देखें ठीक है दिस इज द फिगर ऑफ़ द एलिप्स या ग्राफ है एलिप्स का तो इसमें हमारे पास एक पॉजिटिव एंड है और एक क्या है नेगेटिव एंड है ठीक है तो जो इसमें प्लस वाली जो चीज है ना यानी कि ये क्या है बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है ये वाई का जो पॉजिटिव है वो ये वाला कर्व है जो कि हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मिल रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे सॉरी ठीक है और जो इसका नेगेटिव है ठीक है y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए वो बेसिकली इसका बॉटम वाला हिस्सा है ठीक है दिस इज द इक्वेशन ऑफ बॉटम कर्व ओके तो ये हमारे पास जो है ये इस इक्वेशन की इंटरप्रिटेशन हो गई कि प्लस माइनस क्यू है क्योंकि ये जो लाइन आप देख रहे हैं दिस लाइन इज बेसिकली वाई और पॉजिटिव वाई है ये ठीक है इसीलिए ऊपर है और जो बॉटम वाला है वो नेगेटिव एक्सप्रेशन है इसकी यानी कि माइनस वाला जो पोर्शन है वो है तो अब फर्स्ट कर लें अगर हम आ, इसका जो टॉप का जो पोर्शन है ठीक है यानी कि जो पॉजिटिव हाफ में है अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है तो हमें सिंपल इस एरिया को किससे मल्टीप्लाई करना होगा टू से मल्टीप्लाई करना होगा मल्टीप्लाई बाय टू तो हमें इस पूरे एलिप्स का एरिया मिल जाएगा क्योंकि आधा ऊपर है और आधा नीचे है तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका पूरा एरिया मिल जाएगा जब एक और तरीका क्या हो सकता है कि चूंकि इसका सेंटर जो है वो ओरिजन पे मौजूद है इसीलिए अगर हम इसके एक क्वार्टर का एरिया निकाल लें यानी कि अगर हम ये वाला एरिया फाइंड कर लें तो इसको हमें मल्टीप्लाई बाय फोर करना होगा इस पूरे एलिप्स के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि इसके जो चारों क्वाड्रेंट हैं वो बेसिकली इक्वल हैं तो हम आसानी से जो है इसका एक क्वाड्रेंट मालूम कर लें फिर उसको फोर से मल्टीप्लाई कर लें अभी आपकी मर्जी है कि आप इसका एक क्वाड्रेंट का एरिया मालूम करते हैं या एक पूरे हाफ जो एलिप्स है उसका एरिया मालूम करते हैं फिर उसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि एडअप कर लेते हैं अच्छा जी तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन किया हुआ है वो बेसिकली क्वाड्रेंट को इस्तेमाल किया हुआ है यानी कि जो वन फोर्थ पोर्शन है उसका एरिया मालूम किया है पर उसको फोर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है किया। तो जो एरिया होगा ठीक है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट वो क्या होगा ए इज़ इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ लिमिट्स ए और सीरो ठीक है ए और जीरो और आगे हमारे पास जो पॉजिटिव वाला जो पोर्शन था ठीक है ये जो कर्व आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये y इज इक्वल टू क्या होगा b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा ठीक है ये भी यही है और ये भी यही है मतलब इसी कर्व का पार्ट है ना ये तो इसकी इक्वेशन तो सेम ही रहेगी फ़र्क सिर्फ किस चीज़ पे पड़ेगा कि इस कर्व को आपने या इस फंक्शन को यानी कि वाईज इक्व टू बी ओ वर्डर उड ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आपने इस्तेमाल कहाँ से कहाँ तक किया तो ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और ए पे एंड हो गया यानी कि ए इसकी लिमिट हो गई फ्रॉम ज़ीरो टू ए तो यही आप देख रहे हैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई की गई है ज़ीरो टू ए बिकॉज वी आर फाइंडिंग हेयर द शेडेड रीजन एरिया ओके हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है तो इसकी लिमिट क्या है ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और ए तक गया है और जो फंक्शन है हमारे पास ये फंक्शन बेसिकली y इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है यानी कि पॉजिटिव पोर्शन है ठीक है जी और 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरे एलिप्स का एरिया मिल जाएगा राइट तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है एरिया का अच्छा जी अब चूंकि b अपन ए जो है ये कांस्टेंट है इसीलिए हम इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है फोर बी अपॉन ए इंटीग्रल से बाहर आ गया सही अब इंटीग्रल साइन और फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर हमारे पास रेडिकल साइन आ रहा हो तो हम हमारी कोशिश क्या होती है कि हम इस रेडिकल साइन को ख़त्म करें बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन ठीक है तो उसकी तीन फॉर्म्स हमने देखी थी तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज द फर्स्ट फॉर्म और उस फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते थे हम x को रिप्लेस करते थे बाय ए साइन थीटा ठीक है x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा से हम उसको रिप्लेस कर दिया करते थे तो जाहिर सी बात है जब हम x को रिप्लेस करेंगे तो हमें डी एक्स को भी रिप्लेस करना होगा तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे ठीक है तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया dx टू डिफरेंशियल ऑफ a sin थीटा तो वो क्या आ जाएगा a कांस्टेंट है पीछे आ जाएगा तो d sin थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास cos थीटा d थीटा आ जाएगा ठीक है जी तो आप ये भी कह सकते हैं कि d अपॉन d थीटा ऑफ x इज इक्वल टू टी ओवर डी थीटा ऑफ ए साइन थीटा ठीक है तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू ए और ये आगे कॉस थीटा ठीक है और यहाँ पे नीचे डी थीटा मौजूद होगा तो जो डी एक्स होगा ये बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा और डी थीटा वहाँ जा करके डी थीटा लग जाएगा ठीक है तो डी एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा डी थीटा आ गया ओके अच्छा जी तो हमने x को भी रिप्लेस कर दिया हमने dx को भी रिप्लेस कर दिया लेकिन अभी यहाँ जो लिमिट्स हैं ठीक है इसको भी हमें रिप्लेस करना होगा विथ थीटा ठीक है जी तो उसके लिए डेफिनेटली फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे हमारी जो सपोजिशन थी x इज एकवल्स टू ए साइन थीटा हम इसी को यूज़ करेंगे और वो कैसे करेंगे हमारे पास लिमिट क्या थी ज़ीरो और a ज़ाहिर सी बात है जीरो ए किसकी वैल्यूज हैं ये एक्स की वैल्यूज हैं हम इसको एक्स की जगह पे पुट करते हैं तो इसीलिए हम क्या करेंगे ये जो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा था इसमें हम पहले एक दफ़ा जीरो पुट कर देंगे और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और सेकेंड टाइम हम इसको ए पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे ठीक है तो यहाँ ये किया हुआ है एक्स इज इक्वल टू जीरो पहले पुट किया तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ज़ीरो ठीक है इट्स वेरी सिंपल आई डोंट थिंक सो कि मुझे करने की जरूरत है बट फिर भी मैं आ, कर देता हूं यहाँ पे क्या था x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा एक दफा दिखा देता हूँ बस करके तो ये जीरो हमने इसको पुट कर दिया x की वैल्यू बिकॉज जो लोअर लिमिट थी वो जीरो थी ठीक है तो हमने इसको जीरो पुट कर दिया a साइन थीटा ठीक है तो ये ए यहाँ पे आके जीरो से मल्टी आई मीन जीरो को डिवाइड करेगा तो यह जीरो इज इक्वल टू साइन है और साइन इनवर्स जीरो जो होता है वो जीरो के बराबर होता है तो ये क्या हो गया हमारे पास जीरो डिग्री हो गया ओके इसी तरह हमने सेकेंड टाइम जो अपर लिमिट है ए हम एक्स की जगह पर ए को पुट करेंगे ठीक है जब हम इसको ए को पुट करेंगे तो क्या होगा x इज इक्वल टू ए साइन थीठा और हमने इसको a पुट किया तो a इज इक्वल टू ए साइन थीटा a से a कैंसिल हो गया तो ये वन इज इक्वल्स टू साइन थीटा आ गया और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन आ गया और ये बना लेता है आपका थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू रेडियन ठीक है जी तो पाई बाई टू मीन्स नाइन्टी डिग्री इनके साइन नाइन्टी जो होता है वो जीरो होता है या फिर साइन साइन नाइन्टी क्या कहते हैं वन के बराबर होता है सॉरी ठीक है तो ये हो जाएगा पाई बाई टू ओके तो इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है पाई बाई टू है तो अब हमने लिमिट्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं हम और वेरिएबल्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं और डिफरेंशियल को भी रिप्लेस कर सकते हैं तो इसीलिए यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास जो मेन इक्वेशन थी ये वाली ठीक है वो हमने इसी फॉर्म में लिखी और इक्वल टू लगाने के बाद हमने क्या किया फोर बी ए तो कॉन्स्टेंट था इसको रिप्लेस हम नहीं करेंगे ओके okay. तो ये हमने वैसे ही लिखा इंटीग्रल ज़ीरो की जगह पर ज़ीरो आ जाएगा बिकॉज़ ये ज़ीरो हमने कैलकुलेट किया था तो ये ज़ीरो की जगह पर ज़ीरो ही रहेगा और जो ए था ए की जगह पर फाइव बाई टू आ जाएगा ये हमने कैलकुलेट किया है ठीक है फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने आ, क्या कहते हैं रिप्लेस करना है किसको? को अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को तो अब ये मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये आपने पहले किया हुआ है कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीठा ठीक है तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये अंडर रूट लगा देंगे ठीक है जी तो ए बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये ए कॉस थीटा आ गया ओके तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए का थीटा लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय क्या चीज़ यहाँ पे dx था हमारे पास ठीक है ये dx मौजूद था तो इस dx की जगह पर हमने क्या फाइंड किया था a cos थीटा d थीटा तो हम यहाँ पे हमने क्या लिख दिया a cos थीटा d थीटा लिख दिया तो अब a जो है वो कांस्टेंट है तो एक a से तो एक ए कैंसिल हो जाएगा और एक a बाहर निकल जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा फोर ए भी बन जाएगा तो ये फोर ए बन गया उसके बाद फिर आ, क्या कहते हैं कॉस और कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो क्या बना लेंगे कॉस स्क्वायर बना लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और फिर डी थीटा आ गया ठीक है जी अब ये कॉस स्क्वायर थीटा अब इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पावर जो है वो टू है तो या तो आप रिडक्शन फार्मूला इस्तेमाल करें या फिर डायरेक्टली आप क्या करो इसका क्या कहते हैं जो आइडेंटिटी है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं और किसके बराबर है वन पॉइंट टू वन प्लस कॉस टू थीटा डी थीटा के बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है जी तो इसके बाद तो खैर बस इसको इंटीग्रेट ही करना है सिर्फ तो ये क्या हो जाएगा ये टू से फोर कैंसिल तो ये टू आ जाएगा तो देखें यहाँ पे टू ए भी आ गया ठीक फिर हमने वो जब वन को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास थीटा आ गया बिकॉज यहाँ पे अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो कौन सा है वो थीटा की फॉर्म में है तो इसीलिए यहाँ पे थीटा लिखा है आपको आपने देन ये कॉस्ट टू थीटा है ठीक है कॉस टू थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या चाहिए आगे टू डी थीटा चाहिए तो टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम टू से इसको डिवाइड भी कर देंगे तो इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे टू से डिवाइड करके लिखा हुआ है और आगे जो है इंटीग्रल ऑफ कॉस टू थीटा लिखा हुआ है साइन टू थीटा और फिर हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी हैं ठीक है सिंपल अच्छा जी तो लिमिट्स हमने लगा दी अब इसको हम जब अप्लाई करेंगे तो पहले हम अपर लिमिट लग पुट करेंगे थीटा की जगह पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई बाई टू आ जाएगा फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे यानी कि ज़ीरो दोनों जगह पर तो ये ज़ीरो आ जाएगा तो हमारा जवाब क्या आ गया पाई ए बी आ गया ठीक है दिस इज़ आवर आंसर यहाँ पर हमें दोबारा इसकी फॉर्म में कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज पुट कब करते जब यहाँ पर थीटा आ रहा होता तो थीटा तो है ही नहीं तो इसीलिए कोई इश्यू नहीं है तो दिस इज आवर आंसर ओके राइट अब हम देखते हैं डबल uh, इंटीग्रेशन ठीक है देखें डबल इंटीग्रेशन से मुराद क्या है कि हमें एक इंटीग्रेशन को हमें दो दफ़ा दो इंटीग्रेट करना होगा यानी हो कि एक एक्सप्रेशन होगी उसे हमें टू टाइम्स इंटीग्रेट करना होगा तो वो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आम तौर पर ऐसा कब हम करते हैं जब हमारे पास जो एक्सप्रेशन हो उसमें दो वेरिएबल्स आ रहे होंस और वाई या फिर एक्स और जी या फिर वाई और जी ठीक है तो जब दो वेरिएबल्स आ रहे होंगे किसी भी फंक्शन में तो फिर उन्हें हम अगर इंटीग्रेट करना है तो फिर हम उसको आमतौर पर दो दफ़ा इंटीग्रेट करते हैं यानी कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर सकते हैं आप दोनों तरह से कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर वन में यहाँ के सिर्फ एक एक दफ़ा इंटीग्रेट करके दिखाया हुआ है लेकिन इसके आगे जो है हम इसको फिर टू टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो फंक्शन है ठीक है वो क्या है एक्स वाई स्क्वायर ठीक है ये जो एक्स वाई स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर यानी कि ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स भी है और वाई भी शामिल है ठीक है और ये आमतौर पे z के बराबर होता है यानी कि z इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर यानी कि एफ एक्स वाईक्वल टू जी होता है ठीक है जी तो इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं यानी कि z जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे x पे भी और y पे भी डिपेंड कर रहा है सो हियर वी हैव टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड बोथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर x एंड y, ठीक है और जो z है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंड किस पे कर रहा है ये x और y पे डिपेंड कर रहा है ओके खैर एनीवेज तो हमें इंटीग्रेट करना है एक्स वाई स्क्वायर ठीक है इसको हम इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स बिकॉज यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें इसको विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेट करना है यहाँ पे हम y को क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे यानी कि इसको हम एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे बिकॉज हेयर वी आर कंसनट्रेटिंग टू इंटीग्रेट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x ओनली ओके okay? तो इस केस में फिर क्या होगा ये वाई स्क्वायर जो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा ठीक है और अंदर क्या रह जाएगा x dx रह जाएगा तो इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे y स्क्वायर जब वो बाहर आ गया है फिर इंटीग्रल x dx हमने अंदर रखा है तो हमें x को इंटीग्रेट करना है तो आपको पता जब हम x एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा और फिर ये इसकी जो लिमिट थी ठीक है एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन वो हम लिख देते हैं फिर हमने क्या करना है हमने फिर लिमिट इसमें अप्लाई करना है ओके आई डोंट नो व्हाई इट हैज बिकम सो सेंसिटिव टुडे द स्क्रीन अच्छा जी तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम एक्स की जगह पर पहले वन पुट करेंगे ठीक है यानी कि ये बन जाएगा वाई स्क्वायर ओवर टू माइनस और फिर हम एक्स की जगह पर ज़ीरो पुट करेंगे वाई स्क्वायर इन टू जीरो ओवर टू यहाँ पर हमने वन पुट किया था ठीक है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस ज़ीरो राइट जवाब क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू तू. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो क्या है अपॉन हमारा आंसर है नेक्स्ट में हमने इसी फंक्शन को यानी कि को हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू तो वाई तो ऐसे केस में फिर क्या होगा अब जो एक्स वेरिएबल है इट विल बिहेव लाइक अ कॉन्स्टेंट ठीक है इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा तो इसको हम बाहर ला सकते हैं तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पर हमने एक्स को बाहर निकाल लिया इंटीग्रल साइन से ओके okay? और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये वाई स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें वाई क्यूब अपॉन थ्री मिल जाएगा जैसे हमने पहले लिमिट अप्लाई करी थी वैसे यहां पर भी कर देंगे तो यहां पर जब हम लिमिट पुट कर देंगे वन और फिर जीरो तो हमें जवाब में क्या मिल जाएगा एक्स अपॉन थ्री जवाब मिल जाएगा ओके okay? अच्छा जी तो ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल था ठीक है अब आप देखें यहाँ पर दो इंटीग्रल एक साथ अप्लाई हो रहे हैं लेकिन दो इंटीग्रल कभी भी एक साथ अप्लाई डायरेक्टली नहीं होते हम उनको बारी बारी अप्लाई करते हैं ठीक है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई यानी कि कोई फंक्शन होगा जिसमें एक्स भी वेरेबल होगा और वाई भी वेरेबल होगा और चूंकि ये दोनों से इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू तो वाई दोनों क्या कहते हैं वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट होगा इसीलिए आगे आप देख रहे हैं डी एक्स और डी वाई लिखा हुआ है लेकिन चूंकि यहां पर dx पहले लिखा हुआ है इसीलिए ये फर्स्ट टाइम जो होगा वो विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट होगा ठीक है जी इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में दिखा सकते हैं ठीक है तो अब क्या होगा ये जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है वो विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट होगा और हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स की जगह पर दिस इज सिमिलर केस जस्ट लाइक हियर वी हैड डन ठीक है ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई था इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया था और लिमिट्स अप्लाई करती थी ठीक है जब हम ये करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा हमें वाई स्क्वायर एक्स मिल जाए मिला था पहले ठीक है अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो इसका मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने पहले इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर जो भी जवाब आया वो वाई की फॉर्म में आएगा ठीक है वो इन द फॉर्म ऑफ वाई आएगा फिर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर लेंगे ओके तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया हुआ है पहले ब्रैकेट लगा के दिखाया हुआ है आपको कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जब ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ पे फंक्शन y की फॉर्म में सिर्फ मिलेगा ठीक है और फिर इसको हम dy वाई के तौर पर डी वाई के आई मीन वाई के रेस्पेक्ट से इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो पहले यहाँ पर हम uh, क्या कहते हैं एक्स को सॉल्व किया फिर आपने वाई के रेस्पेक्ट से सोल्व किया लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप पहले वाई के रेस्पेक्ट से सॉल्व कर लें फिर जो जवाब आए वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स आएगा फिर आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लोगे ओके सो बोथ आर पॉसिबिलिटीज चलें अब हम आ, दो एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें हम डबल इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो जो पहली एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर टू का पार्ट ए उसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन बेसिकली फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है दिस इज फोर्टी माइनस टू एक्स वाई ठीक है सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई ठीक है और यहाँ पर आप डिफरेंशियल देख रहे हैं डी वाई और डी एक्स यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब हम कंबिनेशन बनाएंगे तो पहले ये विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट होगा फिर जो जवाब आएगा वो फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट होगा तो यहाँ देखें इसका सॉल्यूशन किया हुआ है ठीक है दिस इज द सॉल्यूशन तो पहले है विद रिस्पेक्ट टू तो ये y इंटीग्रेट हुआ है ठीक है जब इसको विद रिस्पेक्ट टू तो y इंटीग्रेट करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा चलिए मैं यहाँ साइड पे कर देता हूँ सिर्फ अलग से इसको कि ये हुआ हुआ है लेकिन खैर ये फोर्टी माइनस टू एक्स वाई डी वाई है ठीक है मैं लिमिट्स अप्लाई नहीं कर रहा लिमिट्स तो खैर आप कर ही लेंगे ठीक है तो अब ये क्या होगा इंटीग्रल फोर्टी dy minus integral 2xy dy तो 40 कांस्टेंट है ठीक है इंटीग्रल dy minus 2 कांस्टेंट है ठीक है अभी चूंकि विद रिस्पेक्ट टू तो y इंटीग्रेट हो रहा है इसलिए यहां पर x भी एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा तो x को भी बाहर निकाल लेंगे आप अंदर क्या बचेगा y dy ठीक है तो ये हो जाएगा 40 और आगे चूंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं अब हम तो यहाँ पे वाई आ जाएगा क्योंकि वाई की पावर जीरो थी इधर तो जीरो प्लस वन वन हो जाएगा ठीक है और फिर माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन टू ठीक है और ये सॉरी विजिकल्स टू फोर्टी वाई अगर टू से टू कैंसिल तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर ठीक है तो ये हमारे पास आ गया इसको इंटीग्रेट करके बाकी लिमिट आप अप्लाई कर दिए तो यहाँ देखें यहां वही किया हुआ फोर्टी वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और फिर ये लिमिट अप्लाई कर दी है फोर और टू इधर ठीक है जी जब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो पहले पुट करेंगे तो यहां पे जब फोर पुट करेंगे तो फोर फोर सिक्सटीन हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन सिक्सटी ठीक है और फिर जब यहाँ अप्लाई करेंगे हम तो ये वाई स्क्वायर तो आ, क्या कहते हैं फोर फोर सिक्सटीन और फिर ये एक्स आ जाएगा फिर माइनस छोटी लिमिट लिमिट अप्लाई करेंगे लोअर तो ये एट्टी हो जाएगा और फिर टू टू जार फोर तो ये फोर एक्स हो जाएगा ठीक है जी फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा दोनों ब्रैकेट्स को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल गया एट्टी माइनस ट्वेल्व एक्स टी एक्स मिल गया तो आप देखें यहाँ पर जो हमारे पास अवेरेबल है वो कौन सा है सिर्फ x है सो नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x वेरी इजीली जैसे हमने पहले किया था वैसे यहाँ पे भी कर लेंगे तो अब ये आई थिंक ज़रूरत नहीं है इसको इंटीग्रेट कर लेंगे जब आप आपको आता होगा आसान सा आइए तो हमें जवाब क्या मिल जाएगा एक सौ बारह मिल जाएगा अब आ जाए इसके बी पार्ट पे बी पार्ट में पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया हुआ है अब उसके बाद फिर जो जवाब आएगा उसको फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे ठीक है जी तो इस केस में हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा चलिए मैं यहाँ पे दोबारा आपके रिवीजन के लिए कर देता हूं सिर्फ ये फोर्टी डी एक्स माइनस इंटीग्राई डी एक्स ठीक है तो ये हो जाएगा फोर्टी इंटीग्रल डी एक्स माइनस टू चूंकि अब इसको विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स कर रहे हैं इसीलिए अब यहाँ पे वाई कॉन्स्टेंट है और अंदर क्या जाएगा एक्स एक्स आ जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा फोर्टी एक्स माइनस टू वाई एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू टू तो ये से कैंसिल, ये हो जाएगा फोर्टी एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर ठीक है जी तो आप यहाँ देख रहे हैं फोर्टी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर बात एक ही है आप लिमिट खुद अप्लाई कर लीजिए जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा और उसको जब हम सिम्प्लीफाई करेंगे ठीक है तो हमें एटी माइनस एट वाई डी वाई मिल जाएगा फिर आपने क्या किया फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर दिया जब वाई इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक सौ बारह मिल जाएगा तो अब आप गौर करें हमने लास्ट टाइम जब इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट किया था ठीक है और फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया जब आपको मिला एक सौ बारह ठीक है अब इस सीक्वेंस को अगर हम चेंज कर देंगे न इनके पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया और फिर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया अब भी जवाब क्या मिला 112 ही मिला इसका मतलब सीक्वेंस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहले विद रिस्पेक्ट टू x कर लें या y कर लें आपकी मर्जी है जवाब हमेशा सेम मिलेगा बस करना जो है आपने वो ठीक तरीके से करना है ठीक है तो इस सेशन के लिए बस इतना ही मैं इसको एंड करता हूं फिर अब नेक्स्ट सेशन में जो है हम आगे एरिया बिटवीन द बिटवीन वाइज इक्वल टू एफ एक्स एंड वाइज इक्वल टू जी एक्स हम इस्टी uh, करेंगे और फिर फर्दर और भी टॉपिक्स हम देखेंगे आगे ओके चलिए